बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 क्लास में इसमें वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट असल में हमारे साथ हैं वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, ठीक है। वेयर A is equal to vector A, B is equal to vector B, A is equal to magnitude of vector A, our B is equal to magnitude of vector B. Theta is equal to angle between vector A and vector B. अब इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हमारे साथ वर्क है, ठीक है। वर्क हमारे साथ बराबर है एफ डॉट एस का। एफ हमारे साथ फोर्स है और एस हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल हमारे साथ टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क या मोमेंट हमारे साथ बराबर है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो अब हमारे साथ जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इसका रिजल्ट हमारे साथ स्केलर आता है, जिससे हमारे साथ वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ ये वेक्टर है, इसका रिजल्ट हमारे साथ वेक्टर होगा और इसका डायरेक्शन हम एन से शो करता है, ठीक है। एन परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों को, ठीक है। तो हमारे साथ वेक्टर का रिजल्टेंट आर मोमेंट आर्म है, एफ हमारे साथ फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो उसके स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे साथ डिफरेंस ये है, अगर हम दो स्केलर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर ले डॉट प्रोडक्ट में तो उसका रिजल्टेंट हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर ले तो इसका रिजल्टेंट हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिस तरह हमारे साथ टॉर्क है तो टॉर्क हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क हमारे साथ डब्ल्यू हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है। अब पहले हमने एक्सप्लेन किया था डॉट प्रोडक्ट में कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू वन, इसी तरह आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इन केस ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ आई क्रॉस आई आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू जे क्रॉस जे जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई और आई के दरमियान हमारे साथ एंगल जीरो होगा, ठीक है। तो आई क्रॉस आई हम क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह लिखेंगे, आई क्रॉस आई हमारे साथ बराबर होगा आई आई साइन थीटा, ठीक है। दोनों के दरमियान एंगल हमारे साथ जीरो है, ठीक है। तो साइन जीरो हमारे साथ जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह जे क्रॉस जे हमारे साथ जे 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 साइन जीरो, ठीक है। तो साइन जीरो हमारे साथ जीरो के बराबर है तो उसका रिजल्टेंट हमारे साथ जीरो होगा। इस तरह के क्रॉस के का रिजल्टेंट हमारे साथ जीरो होगा, ठीक है। अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं आई क्रॉस जे, ठीक है, तो आई क्रॉस जे का रिजल्टेंट हमारे साथ के होगा, जे क्रॉस के का रिजल्टेंट हमारे साथ आई होगा और k क्रॉस i का रिजल्टेंट हमारे साथ j होगा। अगर इसका उलट हम लेते हैं, मतलब i क्रॉस j की जगह अगर हम j क्रॉस i लिखते हैं
तो जे क्रॉस आई का रिजल्ट है हमारे साथ माइनस के, डायरेक्शन उलट हो गया, ठीक है। आई क्रॉस जे का रिजल्ट हमारे साथ के है, तो जे क्रॉस आई का रिजल्ट हमारे साथ माइनस के होगा। इस तरह जे क्रॉस के की जगह अगर मैं लिखता हूँ के क्रॉस जे, तो इसका रिजल्ट मेरे साथ माइनस आई होगा। इस तरह के क्रॉस आई मेरे साथ जे के बराबर है, तो अगर मैं आई क्रॉस के लिखता हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे साथ माइनस जे के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, ये हमारे साथ जीरो के बराबर होगा। इसी तरह आई क्रॉस जे हमारे साथ के बराबर होगा, जे क्रॉस के हमारे साथ आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई हमारे साथ जे का बराबर होगा। इस तरह जे क्रॉस आई हमारे साथ माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और इस तरह आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। इसी तरह हम स्केलर प्रोडक्ट से एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ एक पैरेललोग्राम हो, ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो और बराबर हो, ठीक है। तो एक साइड पर करें हमारे साथ ए है और दूसरे साइड हमारे साथ बी है, ठीक है। तो इसका एरिया हमारे साथ बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे साथ बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड इसलिए कि हमारे साथ ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी अगर हम मालूम करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड इस लेते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन के का जिक्र हम इसमें नहीं करते, सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो एरिया हमारे साथ बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इसमें हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे साथ इस ट्राइंगुलर एरिया, ट्राइंगुलर रीजन का एरिया हमारे साथ बराबर होगा हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और इन दोनों का प्रूफ बुक में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में बताया था, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जिक्र है। तो अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें चेक करते हैं तो ए क्रॉस बी हमारे साथ बराबर होगा, इसको हम कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमारे साथ बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमारे साथ सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमारे साथ अपोजिट होगा, ठीक है। फर्ज करें आपके साथ ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसका जो अगर हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे साथ इसका मैग्नीट्यूड इसके परपेंडिकुलर, इस तरह हमारे साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे साथ राइट हैंड साइड के मुताबिक, राइट हैंड रूल के मुताबिक इसके परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे साथ इसका मैग्नीट्यूड एन होगा, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी की सूरत में है, ठीक है, अगर हम बी क्रॉस ए मालूम करते हैं, ठीक है, तो बी क्रॉस ए की सूरत में, बी क्रॉस ए की सूरत में इसका मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड होगा, ठीक है, एन एन द बोर्ड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह शो करते हैं, मैग्नीट्यूड इसका अपोजिट होगा, बोर्ड पे हम 3D में शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये जेड डायरेक्शन में ही हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमारे साथ बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए का। इस तरह हमारे साथ दूसरा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे साथ उभय होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमारे साथ ये बराबर है ए प्लस बी, दो पार्ट्स में है, तो हमारे साथ पहला पार्ट है ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। इस तरह दूसरा पार्ट हमारे साथ है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और अब हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट्स। तीन पार्ट्स गिवन है, पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है जे क्रॉस 2j प्लस 3k, पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है
टू आई माइनस थ्री जे क्रॉस के, और पार्ट नंबर थ्री हमारे साथ है टू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, टू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के क्रॉस सिक्स आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट वन। तो पार्ट वन हमारे साथ है जे क्रॉस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है। इसका मतलब है कि जे क्रॉस प्रोडक्ट है टू जे के साथ भी, और जे का क्रॉस प्रोडक्ट है थ्री के साथ। तो ये हम लिख सकते हैं जे क्रॉस टू जे प्लस जे क्रॉस थ्री के, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं टू और जे क्रॉस प्रोडक्ट विद जे, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं प्लस थ्री जे क्रॉस प्रोडक्ट विद के। तो जे क्रॉस जे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे साथ जे क्रॉस जे हमारे साथ जे जे साइन थीटा के बराबर है, और जे और दोनों के दरमियान दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान एंगल जीरो डिग्री होगा। तो साइन जीरो हमारे साथ जीरो के बराबर है, तो इसलिए जे क्रॉस जे हमारे साथ जीरो का जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और प्लस थ्री और ये हमारे साथ है जे क्रॉस के, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आई क्रॉस जे हमारे साथ के बराबर होगा, जे क्रॉस के हमारे साथ आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई हमारे साथ जे के बराबर होगा। इसका अगर हम उलट लिखते हैं तो फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ये जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के हमारे साथ बराबर है आई का, ठीक है। तो जे क्रॉस जे की जगह में जे क्रॉस के जगह में थ्री आई लिख सकता हूँ, तो इसका रिजल्ट हमारे साथ होगा थ्री आई। तो पार्ट वन हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर टू सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर टू। तो पार्ट नंबर टू हमारे साथ है टू आई माइनस थ्री जे क्रॉस प्रोडक्ट विद के। तो इसका मतलब यह है कि टू आई क्रॉस प्रोडक्ट है विद के साथ, और माइनस थ्री जे का क्रॉस प्रोडक्ट है के साथ। तो हम लिखते हैं टू आई क्रॉस प्रोडक्ट विद के माइनस थ्री जे क्रॉस प्रोडक्ट विद के। इसको मैं लिख सकता हूँ टू आई क्रॉस प्रोडक्ट विद के माइनस थ्री जे क्रॉस प्रोडक्ट विद के, ठीक है। तो टू और आई क्रॉस ए, इधर अगर आप लोग देख लें तो के क्रॉस आई हमारे साथ जे के बराबर है। तो अगर के क्रॉस आई की जगह हम आई क्रॉस ए आई क्रॉस के लिखते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे साथ ये माइनस जे के बराबर होगा। तो आई क्रॉस के हमारे साथ माइनस जे के बराबर है, माइनस थ्री और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के हमारे साथ आई के बराबर है। तो जे क्रॉस के की जगह मैं लिखता हूँ आई, विच इज इक्वल टू इसे आएगा माइनस टू जे और माइनस थ्री आई, या इस तरह भी लिख सकते हैं अगर इसको हम पहले लिखते हैं तो माइनस थ्री आई माइनस टू जे। तो पार्ट नंबर टू हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर थ्री की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर थ्री हमारे साथ है टू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के क्रॉस प्रोडक्ट विद सिक्स आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। इसका एक तरीका यह है कि पहले हम टू आई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर माइनस थ्री जे को, और फिर प्लस फाइव के को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन आसान तरीका यह है कि इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें, और पहले रो में हम आई जे और के लिख लें, दूसरी रो में हम पहले वाले वेक्टर की कोएफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट हमारे साथ टू है, इसका हमारे साथ माइनस थ्री है, इसका हमारे साथ फाइव है। सर इसका कोएफिशिएंट हमारे साथ सिक्स है, टू जे का हमारे साथ टू है, और माइनस थ्री के का हमारे साथ माइनस थ्री है, ठीक है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट हम मालूम करें तो हमारे साथ ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, तो आई पहला हमारे साथ प्लस आएगा, ए वन वन है, तो मैंने आप पहले चैप्टर में आपको बताया था कि जब ए वन वन हो तो वन प्लस वन हमारे साथ टू है, तो जब इसका सम ई वन हो तो हमारे साथ प्लस आएगा। ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते हैं तो माइनस थ्री फाइव टू माइनस थ्री, दूसरा टर्म ए वन टू हमारे साथ माइनस आएगा माइनस जे। अब इस कॉलम को इस रो को हम एलिमिनेट करते हैं तो टू फाइव सिक्स माइनस थ्री, टू फाइव सिक्स माइनस थ्री प्लस के, तीसरा टर्म हमारे साथ प्लस आएगा, ए वन थ्री है तो ए वन थ्री हमारे साथ प्लस आएगा। तो ये रो ये कॉलम हम खत्म करते हैं तो टू माइनस थ्री सिक्स टू विच इज इक्वल टू आई। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो माइनस थ्री अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस नाइन आता है, माइनस फाइव टू जा हमारे साथ टेन आता है, माइनस जे टू और माइनस थ्री के मल्टीप्लीकेशन से हमारे साथ माइनस सिक्स आता है और माइनस और सिक्स फाइव जा थर्टी प्लस के टू टू जा फोर माइनस और सिक्स और माइनस थ्री के मल्टीप्लीकेशन से हमारे साथ माइनस एटीन आता है, ठीक है विच इज इक्वल टू आई। नाइन नाइन माइनस टेन माइनस वन, माइनस जे माइनस सिक्स माइनस थर्टी हमारे साथ आता है माइनस थर्टी सिक्स प्लस के अवर फोर माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है तो फोर प्लस एटीन हमारे साथ आता है ट्वेंटी टू विच इज इक्वल टू माइनस आई प्लस थर्टी सिक्स जे अवर प्लस ट्वेंटी टू, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है शो इन टू डिफरेंट वेज दैट द वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, मतलब दो तरीकों से आप साबित करें कि ए और बी पैरेलल है, ठीक है। तो पार्ट वन हम सॉल्व करते हैं। पार्ट वन में हमारे साथ वेक्टर ए है माइनस आई प्लस टू जे माइनस थ्री के और वेक्टर बी हमारे साथ है टू आई माइनस फोर जे, टू आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के, माइनस आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड पहले तरीके से हम इसको साबित करते हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो हमें पता है पहले हमने ये डिफाइन किया था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि टू वेक्टर्स will be parallel if a is equal to alpha b, अगर हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं या वेक्टर a is equal to alpha b या b is equal to alpha a, alpha की जगह आप lambda भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। alpha हमारे साथ कोई कांस्टेंट है, मतलब अगर हम एक वेक्टर से कांस्टेंट ले लें और ए और बी बराबर हो, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी हमारे साथ पैरेलल होगा, ठीक है। अब इसी केस में अगर हम वेक्टर बी ले लें, वेक्टर बी हमारे साथ बराबर है टू आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के, ठीक है। अगर इसे हम टू कॉमन ले लें तो हमारे साथ, या इसे हम माइनस टू कॉमन ले लें, ठीक है, तो बी वेक्टर हमारे साथ बराबर होगा माइनस टू, ये हमारे साथ माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। इससे हम माइनस काम लिए तो इधर प्लस लिख गया, ठीक है, और टू जे और माइनस थ्री के, तो बी इज इक्वल टू माइनस टू एन टू ए, ये हमारे साथ ए के बराबर है तो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप डिफिनेशन को देख ले तो बी इज इक्वल टू अल्फा ए फॉर्म में मैंने ये लिख लिया, वेयर अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू, वेयर अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। सो बी इज अ पैरेलल टू ए, ठीक है, पहला मेथड है। और सेकंड मेथड में हमारे साथ अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर ले वो जीरो आ जाए। जीरो कब आता है, जब इसके दरमियान एंगल हमारे साथ 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, तो हमारा सॉरी जीरो डिग्री के बराबर हो, साइन जीरो हमारे साथ जीरो के बराबर है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अब अगर ये दोनों पैरेलल हो तो इसका मतलब इसके दरमियान एंगल जीरो के बराबर होगा, तो ए बी साइन जीरो, तो साइन जीरो हमारे साथ जीरो के बराबर है, तो इसका रिजल्ट जीरो के बराबर होगा। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लें और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। तो
तो हम एक क्रॉस बी मालूम करते हैं, तो एक क्रॉस बी का तरीका ये है कि हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें। पहले रो में हम आई जे के लिख लें, सेकंड रो में हम ए वाली वेक्टर की कोएफिशिएंट लिख लें, माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री, माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री और टू माइनस फोर प्लस सिक्स। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ जीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, तो आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो टू माइनस थ्री माइनस फोर सिक्स, माइनस जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस वन माइनस थ्री टू सिक्स, प्लस के माइनस वन टू टू माइनस फोर। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई टू सिक्स आर ट्वेल्व, माइनस माइनस थ्री और माइनस फोर की मल्टीप्लीकेशन से हमारे साथ ट्वेल्व आता है, माइनस जे माइनस सिक्स, माइनस टू और माइनस थ्री की मल्टीप्लीकेशन से माइनस सिक्स आता है, प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर से फोर आता है और माइनस फोर। ठीक है, तो हमारे साथ आता है आई, इससे हमारे साथ जीरो आता है, माइनस जे ये माइनस सिक्स और इससे प्लस सिक्स आता है, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो, प्लस के और फोर माइनस फोर जीरो, सारे हमारे साथ जीरो आ गए, इसका रिजल्ट हमारे साथ जीरो होगा। ठीक है, तो एस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, सो ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पार्ट वन सॉल्व हो गया, अब हम पार्ट नंबर टू की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर टू हमारे साथ है, ए इज इक्वल टू थ्री आई प्लस सिक्स जे माइनस नाइन के, और बी हमारे साथ है आई प्लस फोर जे सॉरी आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारे साथ ए एंड बी विल बी पैरेलल वेक्टर्स इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बी वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, तो या बी इज इक्वल टू अल्फा ए। ठीक है, तो इधर मैं वेक्टर ए लेता हूँ, वेक्टर ए हमारे साथ बराबर है, वेक्टर ए मेरे साथ बराबर है थ्री आई प्लस सिक्स जे माइनस नाइन के। ठीक है, इससे इसमें हमारे साथ थ्री कांस्टेंट है, तो थ्री कॉमन है, तो थ्री में कॉमन लेता हूँ, इधर आई रह जाएगा, इधर प्लस टू जे और इधर माइनस थ्री के। ठीक है, तो हमारे साथ ए इज इक्वल टू थ्री इन टू ये हमारे साथ बी के बराबर है। ठीक है, वी आर अल्फा इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो इसको मैंने ए इक्वल टू अल्फा बी फॉर्म में लिख लिया, सो ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। सेकंड मेथड, अगर ए क्रॉस बी हमारे साथ जीरो हो तो इसका मतलब यह होगा कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, पहले रो में हम आई जे के लिखते हैं, सेकंड रो में थ्री सिक्स माइनस नाइन और थर्ड रो में वन टू माइनस थ्री एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो सिक्स माइनस नाइन टू माइनस थ्री, माइनस जे थ्री माइनस नाइन वन माइनस थ्री, प्लस के थ्री सिक्स वन टू विच इज इक्वल टू आई माइनस एटीन और प्लस एटीन इससे आता है। ठीक है, माइनस जे माइनस नाइन और प्लस नाइन, ठीक है, प्लस के थ्री टू जार सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई इंटू जीरो माइनस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो। ठीक है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, रिजल्ट जीरो हमारे साथ आ गया। ठीक है, तो एस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, एक क्रॉस बी कब जीरो होगा, जब इसके दरमियान एंगल हमारे साथ जीरो हो। ठीक है,
तो मतलब जीरो एंगल मतलब कि एक पैरेलल है, ठीक है। सो ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।